जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले 10 वर्षों में बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 10 से 15 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं, तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एड्स का कारक क्या है? एक विषाणु, कवक, जीवाणु या फिर डी प्रोटोजोआ? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। एड्स जो है ये किसके कारण होता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एड्स जो है ये एक विषाणु जनित रोग है, और देखिए विषाणु जनित रोग हो गया, बैक्टीरिया जनित रोग, संक्रामक रोग, इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं हमेशा बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखें। आगे देखिए, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किसमें मापा जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिविजन भी हो सके। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी, और भूकंप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। इन सभी को ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सिस्मोग्राफ। आगे देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर डी सोडियम बाइकार्बोनेट? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का सूत्र है, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3, और इसमें 10H2O जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा धोने वाला सोडा, जिसको धोवन सोडा भी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये एक कोशिकीय नहीं, ये बहुकोशिकीय जंतु है। चलिए आगे देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर है लीवर से संबंधित रोग होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लीवर की बात करें, जिसको यकृत भी कहा जाता है, और यहाँ पर विटामिन ए संचित होता है यकृत में, और यकृत से ही पित्तरस का स्राव होता है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है? चलिए छः के लिए आंसर बताएंगे, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किससे बना होता है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर है टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, इसका सिंबल क्या होता है? W। और चांदी की बात करें, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछे तो ये चांदी यानी कि सिल्वर है। आगे देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? और दोस्तों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक दिशीय होता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक दिशीय। चलिए आगे देखिए, और अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा AG Tonsley को। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन है, तो याद रखिएगा AG Tonsley। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv². अब देखिए, वेग को दोगुना करना है, यानी कि ये m क्या है? मास है,
वी क्या है, वेग है, तो वी के स्थान पर आपको दोगुना यानी टू वी पुट करना है। तो देखिए हाफ एम, वी के स्थान पर दो भी रखना है, दो भी और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको कहीं भी कटाना नहीं है, तो ये बन जाएगा हाफ एम इंटू चार वी का स्क्वायर। अब कुछ मत कीजिए, आपको यहाँ से क्या करना है, ये जो मेन फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से भी हम लोग हाफ एम और वी स्क्वायर को निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ चार। तो देखिए दिया हुआ है चार गुनी, तो सिंपली आप लोग याद कर लीजिए, वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा चार गुनी होगा, तीन गुना करेंगे तो नौ गुना होगा, चार गुना करेंगे तो सोलह गुना होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल शुरुआत से संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और एक क्लास है रात 8:30 बजे, दोनों ही क्लास बिहार पुलिस के लिए है, और एक क्लास है शाम 7:30 बजे, ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा जिसमें लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, चलिए आंसर बताएंगे। तो हमने आपको बोला था इस तरह के प्रश्न जितने भी बनते हैं, जल जनित रोग, वायु जनित रोग, इन सभी को ध्यान रखें। तो इसका सही जवाब क्या है, दस्त, ये जो है जल प्रदूषण रोग है, जिसको बोला जाता है डायरिया भी, दस्त यानी कि डायरिया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी फटाफट से। तो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण विटामिन याद कर लीजिए विटामिन के है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। चावल में प्रचुरता में क्या मिलता है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चावल में प्रचुरता में क्या मिलता है, तो सही जवाब है स्टार्च की प्रचुरता मिलती है चावल में, चलिए। और सबसे अधिक प्रोटीन पूछे किसमें मिलता है, सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर है डायबिटीज, जिसको मधुमेह बीमारी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज बीमारी होती है। और विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आवेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश है, जबकि कार्य क्या है, अदिश राशि है। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, पाचन थैली जो कहलाती है लाइसोसोम, और इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखिए एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है, तो देखिए यह विशेषता जो है प्रत्यास्था कहलाती है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, तो यहाँ पर सही जवाब है कॉपर, कॉपर के जो लवण होते हैं प्रायः नीले रंग के होते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत होगी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, तो इसका सही जवाब है 50 हर्ट्ज होता है। ट्राई बेसिक एसिड क्या है,
ट्राइबेसिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन के तीन परमाणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें HCl, इसमें हाइड्रोजन एक है, ये तो होगा नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के दो ही परमाणु है, ये भी नहीं होगा। अब नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इसका होता है HNO3, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है। बचा आपका फास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4, तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के तीन परमाणु है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ट्राइबेसिक एसिड है। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो कभी आपसे 22 कैरेट पूछ लेगा, कभी 18 कैरेट, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखिए, सोना जो होता है फुल सोना, वो 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट सोना में अगर सोना की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 100% होगा, क्योंकि ये सबसे शुद्ध सोना है। तो हम लोग एक कैरेट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/24। अब आपको जितना भी निकालना है यहाँ पे मान रख दीजिए, जैसे हमको 18 कैरेट का निकालना है तो 18 कैरेट का क्या हो जाएगा, तो 100/24 और गुना क्या हो जाएगा, 18। तो देखिए यहाँ पे 6 से काटेंगे 3 बार में और 6 से 4 बार में, फिर 4 से 125 बार में, तो 25 × 75 यानी 75% होगा। यानी सिंपली आपको याद रखना है 100/24, और जितना भी कैरेट का बोले आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 22 कैरेट का बोलेगा तो 22 से 16 बोलेगा तो 16 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे देखिए, अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बहुत ही सिंपल है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो ये जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। एक लकड़ी क्या है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। तो एक लकड़ी क्या है, ये एक प्राथमिक ईंधन है। आगे देखिए, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी है? तो इनमें से कौन अपुष्पी है, यहाँ पर सही जवाब है टेरिडोफाइटा, ये क्या है, अपुष्पी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पानी का घनत्व कितना होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को डायरेक्ट याद कर लीजिए, पानी का घनत्व होता है 1 g/cm³। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? देखिए किरचॉफ का पहला और दूसरा दोनों याद रखने हैं। तो पहला नियम जो है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आंसर यहाँ पे बी होगा, आवेश संरक्षण। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 16, यानी भार जो होता है, द्रव्यमान होता है 16 ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के दो अणु हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 ग्राम होगा। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये कहलाते हैं पृथुतापी। चलिए आखिरी प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है परितारिका, डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको आंसर करना है कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।